जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान के साथ। वार्ड एक में मंजू रॉय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने निर्दलीय नामांकन किया है और जनता के सामने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो जा रही हैं। क्या वजह रही जिसकी वजह से वो राजनीति के अंदर आई? क्यों वो जनता की सेवा करना चाहती है? क्या बिना राजनीति के वो जनता की सेवा नहीं कर सकती, इसलिए राजनीति में आकर जनता की सेवा कर रही है? और भी कई मुख्य हमारे सवाल होंगे। तो मंजू रॉय जी, जनमानस राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं आपसे सबसे पहला यही सवाल करना चाहूँगा कि ऐसी क्या भावना थी या ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आप राजनीति में आई या राजनीति के लिए आप प्रेरित हुई, क्या वजह थी इस? भाई माता बहनन को नमस्कार। मेरे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मैं चाहती हूँ गरीबों की समस्या दूर हो, उनकी जो भी वार्ड में परेशानी है वो दूर हो, समस्या उनकी दूर कर पाऊँ, मुझे खुशी होगी। गरीबों लोगों के दिल में काम करा पाऊँ और उनकी जो भी कॉलोनी में परेशानी है वो दूर कराना चाहती हूँ। तो आप समाज सेवा, आप समाज सेवा के लिए ये चुनाव लड़ रही हैं? हाँ। और अगर आप इसमें कामयाब हो जाती है, आप निर्दलीय रूप में अगर यहाँ से सीट निकाल लेती हैं, तो आप समाज सेवा का कार्य करेंगी। लेकिन अच्छा, काम करके दिखाऊंगी। लेकिन इससे पहले भी कई समाज सेवी संस्थाओं से आप जुड़ी हुई है, उनके साथ आपको देखा गया है, तो उस वक्त भी आप समाज सेवा का कार्य कर रही थी। आपके मन में ये चीज क्यों आई कि मैं पार्षद बन के ही अब काम करूँ? सर भाई, सुनवाई मतलब अधिकारी जब ही सुनवाई करते, जब वो कुछ पोस्ट हो, पावर हो, जब ही तो सुनवाई होती है। ऐसा नहीं कोई सुनता ही नहीं है। एप्लीकेशन की एप्लीकेशन लगाती रहती हूँ, कचरे की बाल्टी में जाती है हर कोई एप्लीकेशन, सुनवाई कोई भी नहीं होती है। मैं चाहती हूँ अच्छा पद मिलकर, पावर लेकर जनता की सेवा करना चाहती हूँ, समाज सेवा। और मैं गरीबों के जो भी परेशानी है वो दूर कर पाऊँ, समस्या दूर पर, कॉलोनी के अंदर जितनी भी गंदगी है वो साफ कर पाऊँ। तो बिजली है, पानी है, गंदगी है, सड़क है, ये मुद्दे वार्डवासियों के लिए अहम होते हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर आप वार्डवासियों से संपर्क कर रही हैं। मैंने आपको पहले भी कई प्रोग्रामों में देखा है, ख़ास तौर से बीजेपी के छोटे बड़े कई प्रोग्रामों में देखा है। तो उन प्रोग्रामों से ऐसा लगता था कि जैसे तो आपकी बीजेपी में काफ़ी अच्छी चहल पहल है, काफ़ी अच्छी साठगांठ है, क्योंकि हर छोटे बड़े प्रोग्रामों में आप वहाँ नज़र आई है। तो क्या आपने बीजेपी से टिकट की उम्मीद नहीं जताई या बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दी? कोशिश तो पूरी करी, कोशिश तो पूरी करी। क्या वजह रही या क्या कमी आपको नजर आई जिसकी वजह से बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया? ऐसी कोई बात नहीं है सर, कोशिश तो फुल करी थी, कोई बात नहीं। पर मैं चाहती हूँ अच्छे रोड बने, कॉलोनी के अंदर अच्छा विकास हो, अच्छी तरक्की हो, अच्छा काम हो, गंदगी साफ हो और अच्छा विकास हो, अच्छी तरक्की हो। और मेरे दिल में राम है गरीबों के लिए, मैं कुछ करना चाहती हूँ समाज सेवा। नहीं, वो समाज सेवा तो आप करना चाहती है, लेकिन जैसा कि मेरा सवाल सर, था, पोस्ट लेके रही तो अच्छा काम होता है, बिना पद तो कोई सुनवाई करते ही नहीं। नहीं, वो भी सही बात है, तो सर काम होता है, मतलब आप पावर लेने के लिए यहाँ से वार्ड एक से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, एक नंबर वार्ड से। मेरे दिल में राम है, गरीबों की सुनवाई होनी चाहिए, गरीबों की समस्या दूर होनी चाहिए, ये हमेशा खुश रहे और इनकी दिल से मैं सेवा करना चाहती हूँ पद लेकर। अभी आप वार्डवासियों के पास जा रही होंगी, वहाँ से आपका डोर टू डोर संपर्क हो रहा होगा, संपर्क बनाने जाती हूँ कॉलोनी में लोगों से आप मिल रही होंगी, क्या कैसा रुझान आपकी तरफ लोगों का आ रहा है? नहीं, मुझे तो उन लोगों को प्यार मिल रहा है और उन लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ सर, गरीबों के लिए, मेरे दिल में जगह उनके लिए, समाज सेवा करना चाहती हूँ सर आप लोगों का आशीर्वाद से। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो बड़ी पार्टियाँ हैं, बीजेपी और कांग्रेस, उसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी काफ़ी हैं और उन्हीं में से आप एक हैं, तो क्या आप उन दोनों बड़ी पार्टियों एवं कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों को टक्कर दे पाएगी, क्योंकि आप खुद भी एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं? नहीं सर, मैं तो जो भी जनता मेरे लिए तो सब कुछ, जनता जो फैसला कर देगी वो मेरे लिए अटल है, जनता ही मेरे लिए सब कुछ। नहीं, फिर भी आपको मेरे दिल में महसूस हो रहा है, कितना लग रहा है जगह सर, मैं कुछ करना चाहती हूँ। आपको कितना महसूस हो रहा है, कितना लग रहा है कि जनता मेरे साथ है? सर जनता तो साथ है, सपोर्ट कर रही है जनता मेरे लिए,
सपोर्ट करे जब तो इस मैदान में उतरी हूँ मैं सर। अच्छा, जनता की सपोर्ट है। इस चुनावी मैदान से पहले यानी जब अभी पार्षदों की कोई घोषणा नहीं हुई थी, पत्र नहीं थी, जब भी गरीबों को साथ पार्षदों की कोई घोषणा नहीं थी, कोई चुनाव का कोई वक्त नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम पहले से यानी 5 साल का एक टाइम मिलता है, 5 साल बाद चुनाव होते हैं, तो इससे पहले भी क्या आप वार्ड में आई, वार्ड में लोगों से संपर्क किया? सर किया मैंने, 5 साल उनकी सेवा करी है, लॉकडाउन कोरोना में भी सेवा दी है मैंने, 4-5 खंभे भी लगाए, रोड लाइट भी लगाई है, नाला भी साफ करवाए, और टंकी भी बहुत गंदगी हो रही टंकी में, 2 लड़का लगा के सफाई करवाई थी मैं, और महिला ने मेरे सम्मान भी किया। जैसा कि अभी आपने बताया कि कोरोना काल में भी हमने लोगों से संपर्क किया और वहाँ पे उनकी मदद की, तो कोरोना काल में क्या क्या मदद रही आपके लिए, गरीबों के लिए? सर उनकी समस्या मैंने दूर करी, जो भी उनने समस्या बताई एप्लीकेशन दे के उनके काम भी कराए, 5 साल मैंने मेहनत भी करी है। नहीं, कोरोना काल में जब पूरा लॉकडाउन था, चारों तरफ लोगों को घरों में कैद थे, लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, उनको उस वक्त आपका क्या योगदान रहा इन गरीबों के लिए? सर मैंने गरीबों की मतलब दिल से सेवा करी है, और आटा वितरण किया, टोस्ट, नमकीन, ब्रेड, सबको जो भी हेल्प बनती है वो पूरी करी थी मैंने। लगभग आपकी तरफ से या आपकी संस्था की तरफ से जिसके माध्यम से आपने किया है, तो लगभग कितने किट आपने वितरण किए होंगे? पूरी कॉलोनी में बांटी थी सर, लॉकडाउन में, कोरोना में, इधर की में, उधर की में, दोनों में बांटी थी, पूरे वार्डन में बंटवाई थी सर मैंने, पूरे वार्डन में किट भर भर के लेके गई, गाड़ी भर भर के ले गई समाज से। तो वो किसकी तरफ से था वो योगदान, खुद आपकी तरफ से था या किसी की तरफ से? खुद की तरफ से सर, मतलब हम ये माने कि आपने अपने घर से लगाए थे, खुद की गिरे से। अच्छा, आपके और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के सामने जा रही हैं, जैसे लाइट है, पानी है, बिजली है, सड़क है, ये चीजें तो मुख्य है ही है, लेकिन इनके अलावा और भी कई, खास तौर से फैक्ट्री की जनता के लिए एक बड़ा भारी मुद्दा है फैक्ट्री की क्वार्टरें, इन क्वार्टरों के लिए जो अभी केस चल रहा है, इनका अभी केस चल रहा है, और कई बार ऐसा होता है कि इनको नोटिस देके और यहाँ से खाली करवा दिया जाएगा, या और कई लोग ये कहते हैं कि नहीं इनके नाम पट्टा जारी कर दिया जाएगा, तो आपका क्या इसमें रहेगा कि ये खाली होनी चाहिए या फिर इनको पट्टे मिलने चाहिए? पट्टा ही मिलना चाहिए, गरीबों को घर से काटना अच्छी बात नहीं है, मैं चाहूँ गरीब जहाँ जिस जगह है जिस जगह ही रहे, खाए नहीं जाए, गरीबों के कभी घर बेघर नहीं करेंगे गरीबों, मतलब अगर आप सत्ता में आती है, पट्टा मिले उनको बढ़िया आराम से रहे, मतलब आप चाहती हैं कि अगर आप सत्ता में आती है तो आप उनको नगर परिषद से पट्टा दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे? कोशिश पूरी करेंगे। इसके अलावा आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्डवासियों को क्या संदेश देना चाहती हूँ? मैं तो यही चाहूंगी गरीबों को ध्यान रखें, उनकी समस्या दूर करें, उन अच्छा विकास हो, अच्छी तरक्की हो, और कॉलोनी के अंदर कोई भी गंदगी हो उसको साफ रखे, उनकी उनको कभी दिल नहीं तोड़े, उनकी समस्या दूर हो, मेरी तो ये दरख्वास्त है, उनको कभी परेशान नहीं किया जाए, बेघर कभी नहीं करना, उनकी हमेशा सहयोग करते रहेंगे, समस्या दूर करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे मंजू रॉय जो निर्दलीय प्रत्याशी है वार्ड नंबर 1 से, आगे भी हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा, जब तक के लिए बने रहें आप जनमानस राजस्थान के।